आ गया। आप सभी को जय वसी की। आशा करती हूँ कि आज हम सब बहुत आत्मिक मन्ना हमने ग्रहण किया और हम प्रभु की दया से हस्त पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं। ये प्रभु की दया है कि बीते पूरे एक सप्ताह भर प्रभु ने हम सबको संभाला है ना, आनंदित रखा। जय के उत्सव में हमें लिए चलता है हमारा पिता परमेश्वर। तो आइए थोड़ी देर हम मनन करेंगे, आत्मिक वचनों को देखेंगे और कुछ सीखेंगे नया है ना वचनों के माध्यम से। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक तूने हम सबको भला चंगा रखा है पिता। धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। तू अति स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन है पिता और पृथ्वी तेरी चौकी है पिता। धन्यवाद 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 पिता। हर बार हमारे जीवनों से तुझे महिमा मिलने पाए पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, निमंत्रण देती हूँ इस समय पिता। तू मेरे संग और साथ हो, वचनों के प्रकाशन में मेरी सहायता मदद कर। और पिता ये वचन प्रभु जी मेरे द्वारा नहीं परंतु हे पवित्र आत्मा पिता तेरे द्वारा बोले जाए। मेरे होठों को, मेरी जीभ को, मेरे मस्तिष्क को, मेरी आत्मा को अपने नियंत्रण में रखना। हाँ प्रभु जी, और विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, मैं अपने पूरे परिसर को, चारों तरफ से अपने घर को भी पिता तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पवित्र आत्मा पिता। से भी अपने नियंत्रण में रखना पिता। विनती और प्रार्थना प्रभु जी, ये आत्मिक मन्ना हमारी आत्माओं के लिए प्रभु जी बहुत 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 अधिक फल डालने वाला आत्मिक भोजन होने पाए पिता। और प्रभु जी इससे हमारी आत्मा बहुत अधिक समृद्ध होने पाए। और प्रभु जी हम और दृढ़ता से, मजबूती से पिता तेरी ओर चल, तेरे पीछे चलने वाले हो सके पिता। हाँ प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाले हो सके पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल, ऐश्वर्य बाप तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने एक ऐसा विषय लिया है जिस वचन प्रचार के लिए, जो हम सब विश्वासियों के लिए एक बूस्टर डोज लगता है ना, जैसे छोटे बच्चों को सारी बीमारियों से बूस्टर डोज बचाता है। तो इस कुछ इसी प्रकार का मैंने एक कुछ प्रयास किया है कि हमारे शरीर के लिए जिस प्रकार से मिनरल्स और विटामिन्स है ना आवश्यक होते हैं हमारे शरीर को हस्त पुष्ट रखने के लिए, और सबसे ज्यादा विटामिन्स है ना, अगर हमको कुछ डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो डॉक्टर हमको बहुत प्रकार के विटामिन्स की गोलियां देते हैं खाने के लिए, या हम उन सब्जियों को खाते हैं जिनमें विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। तो परंतु अच्छा, ये विटामिन्स क्या काम करते हैं हमारे शरीर को, क्या कर रखते हैं, ये स्वस्थ रखते हैं और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इन विटामिन्स के द्वारा बढ़ती है ना। फिर हमारे बीपी को कंट्रोल करते हैं, दूसरा हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, तनाव को कम करते हैं, फिर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, या अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर बोलता है आयरन की टैबलेट लो, तो वो मेडिसिन, वो टैबलेट विटामिन्स की गोलियां, आयरन की गोलियां हमको दी जाती है। लेकिन इन सब जब हम विटामिन्स लेते हैं तो इनके साथ एक विटामिन बहुत जरूरी है जो लेना होता है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता ही है, क्योंकि बिना ये विटामिन लिए जो दूसरे विटामिन्स हैं उनका प्रभाव उतना नहीं होता। जैसे अब आयरन की मेडिसिन हमको दी जा रही है तो उसके साथ हमको विटामिन सी लेना आवश्यक है, प्रोटीन के साथ विटामिन सी लेना आवश्यक है ना। तो उसी तरह विटामिन सी है ना, मैं आज इसी पे चर्चा करूंगी, विटामिन सी आत्मिक, अपन बाइबल से देखेंगे कि विटामिन सी क्या चीज है। तो उसी तरह से मेरे और आप, हम जो विश्वासी भाई बहन है, हम सबके लिए
जो हमारा आत्मिक विश्वासियों के लिए जो आत्मिक विटामिन सी है वो क्या है, है ना। आत्मिक विटामिन सी हमने देख लिया कि जो गोली दवाइयां विटामिन की गोली है, विटामिन सी है जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदान करती है और ब्लड को ठीक रखती है, बीपी को ठीक रखती है और जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा उसको बढ़ाती है विटामिन सी। और ये विभिन्न प्रकार के विटामिन के में मिला करके दी जाती है। विटामिन सी पर कंपल्सरी है, सभी जितनी भी गोली दवाई हमें दी जाती है उसके साथ हमको विटामिन सी भी लेना होता है, इन गोलियों को डाइल्यूट करने के लिए, इनको पचाने के लिए। और इसके साथ ही वो फिर जैसे अगर हमको आयरन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो हमको आयरन के साथ विटामिन सी भी लेना जरूरी है, है ना। अगर हम पालक की सब्जी बना रहे हैं तो उसके साथ हमको टमाटर डालना जरूरी है, तभी पालक की सब्जी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है विथ टमाटर। उसी तरह से है ना, एक विश्वासी के जीवन में ये विटामिन सी जो मैंने लिया है, सात प्रकार का सी लिया है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। और तो वो विटामिन सी, वो जो सात प्रकार के जो 7C है उसमें सबसे पहले मैंने लिया है, उसमें सबसे पहले मैंने कॉन्शियस, सी फॉर कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस सावधानी है ना। तो अब जैसे मैं पढ़ना चाहूंगी इसके लिए निर्गमन 23 और उसका 22वां पद, निर्गमन 23 और उसका 22वां पद। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। यहां परमेश्वर पिता प्रतिज्ञा कर रहा है इसराइलियों से, है ना। और वो क्या बोल रहा है कि यदि तू सचमुच उसकी माने, किसकी माने, पिता परमेश्वर की, तो जो कुछ मैं कहूं वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो पर इस बात को मानने के लिए हमको कॉन्शियस किस बात के लिए रहना है, सावधानी किस बात में रखना है, है ना। हमारे आत्मिक जीवन में हमें किन किन चीजों की सावधानी अत्यंत आवश्यक है। हम संसार में रहते हैं और ये संसार में रहते हुए हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, है ना। लेकिन उन किस चीज को हमें स्वीकार करना और किसको नहीं, ये सावधानी है ना। किन चीजों से हमारा पिता परमेश्वर प्रसन्न होता है ना, किन चीजों से नाराज होता है, ये सावधानी, ठीक है ना। बाइबिल हमको इस विषय में बताती है और बाइबिल हमको ये भी बताती है कि अगर हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानते हैं तो जैसा प्रतिज्ञा उसने इसराइल से की थी वो प्रतिज्ञा हमारे लिए भी है कि वो क्या करेगा, यदि तू सचमुच उसकी माने, है ना, किसकी माने, पिता परमेश्वर की, तो फिर क्या है, जो तेरे शत्रु का वो क्या होगा, फिर जो तेरा शत्रु है उसका शत्रु परमेश्वर है, जो तेरे द्रोही है उनका द्रोही कौन है, परमेश्वर है, है ना। और फिर परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, है ना। परंतु हमको ये बात समझना चाहिए, इस बात में हमको सावधानी रखना है कि हमारा इस संसार में चयन कैसा है, हम कैसा जीवन जी रहे, हम क्या मेरा जीवन आत्मिक है, क्या हमारा जीवन आत्मिक है अथवा नहीं, है ना। तो पहला सी है कॉन्शियस, है ना। फिर जैसे हम देखते हैं शामुएल में, तो जो बालक था शामुएल उसको परमेश्वर पिता ने आवाज दी, है ना। तो उसने बार बार जाता था वो
जहां वो सो रहा था वहां से वो उठ के उसको लगता था कि एली आवाज दे रहा है, लेकिन अब वो तो छोटा बच्चा था तो एली समझ जाता है कि परमेश्वर इससे बात करना चाहता है, शामूल से, छोटे बच्चे से। तो एली बोलता है कि अब अगर तेरे को आवाज आए तो ये कहना कि हाँ बोल, हाँ यहोवा बोल, तेरा दास सुन रहा है ना, हाँ बोल, तेरा दास सुन रहा है। तो फिर परमेश्वर पिता ने एली को, एली के विषय में, उसके बेटों के विषय में जो लुच्चे थे लिखा है ना, अगर हम पहला शामूएल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एली के बेटे लुच्चे थे, यानी उनका कैरेक्टर ठीक नहीं था, परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल ठीक नहीं था। तो उनके विषय में वो पूरी बात शामूएल को बताता है। और फिर शामूएल है वो क्या है, वो भी बहुत सावधानी से एली को वो सारी बातें बताता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर पिता की आवाज को किस प्रकार से लेते हैं, सुन के, या हम परमेश्वर पिता की आवाज सुनते भी हैं या नहीं। तो परमेश्वर पिता की आवाज को सुनने में हमको सावधानी रखना है ना। जब पिता परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है वचनों के माध्यम से, है ना, जब हम प्रार्थना करते हैं, और फिर देखिएगा हमको सपनों के माध्यम से हमसे बात होती है, पिता परमेश्वर हमसे बात करता है, दर्शन के माध्यम से हमसे बात करता है, तो उस, और बहुत धीमे से उसकी आवाज आती है, उस आवाज को सुनना है। बहनों भाइयों, एक दिन रात में मेरे ख्याल से 3 बज रहा था शायद, अभी शायद 6 महीने पहले की बात है, तो या 1 साल हो गया होगा, तो मैं अकेली थी अपने घर में, मेरी बेटी पूना में थी, तो मुझे रात के 3 बजे के लगभग एक आवाज आई, केवल एक बार, और वो आवाज थी सिस्टर। तो मैं एकदम चौंक के उठी और मैंने कहा मेरे को किसने आवाज दी सिस्टर, और मैं तुरंत समझ गई कि मुझे, मुझसे पिता परमेश्वर या पवित्र आत्मा कहना चाह रहा है कि प्रार्थना कर। तो मैंने तुरंत प्रार्थना करी। तो मेरी जैसी गवाही है ऐसी आप सबकी भी गवाही होगी, है ना, कि पिता परमेश्वर जो विश्वासी है उनको आगाह करता है, उनसे बात करता है, पर शर्त यह है कि क्या हम उसकी बात सुनते हैं पूरी सावधानी से, है ना। तो जो पहला सी है वो हमको ये समझाता है, सिखाता है कि हमें सावधानी से परमेश्वर की बात को सुनना है, समझना है, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, है ना। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम वचन में हमसे क्या बोलना चाह रहा है, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर या पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाह रहा है। तो उस चीज को हमको सावधानी से समझना है ना, कहीं हम गलत तो नहीं सुन रहे हैं, गलत मीन संसार का तो नहीं सुन रहे हैं, है ना, फिर हमको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देगी। तो हमें संसार के विषय में, संसार की बात को नहीं सुनना है, हमको परमेश्वर की बात सुनना है, विश्वासियों को परमेश्वर की बात सुनना है, और परमेश्वर की बात को सुनने में हमको सावधानी रखना है ना, और उसका जो वचन है उसको हमको ध्यान पूर्वक सावधानी से पढ़ना है। हम जब चर्च जाते हैं, अपनी कलीसिया में जाते हैं, और जब हमारे चरवाहे, हमारे पासबान हमको जब उपदेश सुनाते हैं, वचन से सेवकाई करते हैं जब वो, तो हम कितना उसको सुनते हैं, क्या हम वहां पे सावधानी से उन वचनों को सुन रहे हैं, है ना। तो हमको उन वचनों को जो हमारे प्रभु के दास, है ना, हमारे पासबान, हमारे चरवाहे जो हमको वचनों को सुनाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उसको हमको ध्यान से सुनना है ना, और उसको ग्रहण करना है ना। यहाँ पे ये बात आ रही है, सावधानी से सुनना है, सावधानी से चलना है, सावधानी पूर्वक पवित्र शास्त्र को पढ़कर उस पर मनन करना है ना। और दूसरी बात यह है कि हमको प्रकाशन जब हम मांगते हैं, बहुत सारी गूढ़ बातें हमको हमारे पवित्र शास्त्र में जो लिखी है वो समझ में नहीं आती, ये बात सच है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगते हैं, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगते हैं, तो फिर आप देखिए कि हमको तब समझ में आ जाता है कि परमेश्वर ने मूसा से क्यों कहा था कि तू अपने पैर की जूती उतार,
है ना। एक जगह तो ठीक है वो पवित्र स्थान था इसलिए, लेकिन दूसरी जगह भी परमेश्वर बोलता अपनी तो हम क्यों उतारने के लिए कह रहा है, या बैतलहम में ही यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, ये बात हमको समझ में आती है। जब हम प्रकाशन हमको कौन दे रहा है, पवित्र आत्मा देता है। जब हम सावधानी से प्रार्थना सहित पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा कि गूढ़ बातें जो हमारी समझ में वैसे नहीं आती है ना, परंतु जब हम पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगते हैं और उसको सावधानी से पढ़ते हैं वचनों को, तो निश्चित रूप से हमको प्रकाशन मिलता है। परंतु शर्त यह है कि परमेश्वर की हमको जो सुनना है वो सावधानी से सुनना है, वचन सावधानी से पढ़ना है ना। और जब हम चर्च में जाते हैं तो हमें सावधानी से उन उपदेशों को सुनना है जो हमारे चरवाहे पवित्र शास्त्र के वचनों को हमें सेत में हमको देते हैं, बांटते हैं। और जो हम घर में भी जब अपना पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो उसको पढ़ करके भूले नहीं, या पढ़ लिया एक ड्यूटी निभा दी, नहीं, भले आप एक पैराग्राफ पढ़े लेकिन उस पर मनन करें कि इसमें परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा मुझे क्या निर्देश देना चाहता है, मेरे लिए क्या आदेश है ना, मेरे लिए क्या आज्ञा है, वो हमको ध्यान से पढ़ना है पवित्र शास्त्र। और जब हम मनन करते हैं पवित्र शास्त्र पढ़ के, है ना, कि इसमें क्या लिखा है मेरे लिए, तो फिर और हम जब सामर्थ्य मांगते हैं पवित्र आत्मा से, तो निश्चित जानिए बहनों भाइयों हमें सामर्थ्य मिलती है और हमें तब पवित्र शास्त्र समझ में आता है जब हम मनन करते हैं। पढ़ लिया, फॉर्मेलिटी निभा दी, वैसा नहीं, ठीक है ना, मनन करना है, उस पर चित्त लगाना है ना। यहोशू को परमेश्वर ने बोला ना कि मेरे वचनों पे चित्त लगा, है ना। और दूसरा यह है कि यहोशू करना चाहूंगी मैं, यहोशू 1:8, देखिए यहां पे परमेश्वर पिता ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की है, किसके साथ में, यहोशू के साथ में। तो 1:8 पढ़ना चाहूंगी, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कितनी अच्छी बात है, ये केवल यहोशू के लिए नहीं है बहनों भाइयों, मेरे और आपके लिए भी है। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो इसको हमको ध्यान से पढ़ना है ना, सावधानी से पढ़ना है, और जैसे मैंने आपको बताया, और सावधानी के साथ पढ़ करके अपने मन में इन बातों को बसने देना है, उतारना है अपने मन में, है ना, और इस पे मनन करना है। और जब हम इस पे मनन करते हैं बहनों भाइयों कि परमेश्वर पिता हमसे क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पे उसने यहोशू से प्रतिज्ञा की है, तो ये प्रतिज्ञा उसके लिए भी थी और आज मेरे और आपके लिए भी, हर विश्वासी के लिए है। और जब हम जो कुछ उसमें लिखा है ना, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, जो कुछ इस पवित्र शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार अगर हम अपना जीवन सावधानी से बिताते हैं, तो क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सबसे पहली बात है ना, देखिए प्रतिज्ञा के साथ आशीष भी है इन वचनों में। जब हम इस आज्ञा भी है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि ये तो मैंने आज्ञा दे दी कि तू इसको अपने चित्त में बसाए रखना और चित्त से उतरने मत देना और ध्यान से पढ़ना, चौकसी करना, है ना, इस जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, तो ये आज्ञा भी है। और अब प्रतिज्ञा क्या है कि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे, है ना, ये आशीष भी है पिता परमेश्वर की। जब हम उसके अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो फिर हमारे सारे काम सफल होते हैं, है ना, परंतु और तू प्रभावशाली होगा। कितनी अच्छी बात है ना। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो फिर
हमारे सारे काम सफल होते हैं, है ना। परंतु हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को सावधानी से मानना है, सावधानी से समझना है, सुनना है, है ना। फिर अगर हम देखें इफिसियों 5:15, इफिसियों 5:15, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, है ना। हमको कैसी चाल चलना है, बुद्धिमानों के समान चाल चलना है, है ना। और चाल मतलब हमारा जो जीवन है बहनों भाइयों, जो हमारा जीवन है वो कैसे होना चाहिए, बुद्धिमानों के समान, मतलब साफ सुथरा। और जैसा हमको हमारा पवित्र शास्त्र चलने की इजाजत देता है, अनुमति देता है, हमको वैसे ही चलना है, है ना। निर्बुद्धियों के समान नहीं, वो तो तर्क वितर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, लेकिन हमको वैसा नहीं करना है। फिर हमें अपनी चाल चलन पे ध्यान देना है कि हम सांसारिकता की चाल चलन तो नहीं चल रहे हैं, है ना। हम जैसे हमारे पवित्र शास्त्र में हमको आदेश मिला है, क्या हम यीशु के पीछे सच में चल रहे हैं कि हम संसार को फॉलो कर रहे हैं, ये हमको देखना है। तो हमको सावधानी से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, पवित्र आत्मा की संगति में चलना है, है ना। और फिर जब हम उसके साथ चलते हैं तो फिर हमें देखिए बहुत सारी आशीषें मिलती हैं, अनगिनत आशीषें, है ना, जो गिनती से बाहर है। अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं, है ना, और आज्ञा तो मिली है परंतु उसका हम पालन नहीं करते हैं, तो फिर देखिए जैसे लूत की पत्नी, है ना, उसको उसके पति लूत को तुरंत अब सब कुछ छोड़ो और यहां से हटो सदोमोरा मोरा से, लूत तो निकल गया लेकिन उसकी पत्नी ने, चूंकि वो सांसारिक थी तो उसने पीछे मुड़ के देखा और वो क्या बन गई, नमक का खंभा, है ना, नमक का खंभा बन गई। उसने सावधान उन बातों जो उनसे दूत के द्वारा कही जा रही थी, परमेश्वर के दूत के द्वारा, उसको उसने अनसुना करा, उसने नहीं सुना, उसने संसार को सुना, संसार की सुना, तो फिर क्या हुआ परिणाम, वो क्या बन गई, नमक का खंभा, है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर की आवाज को, बात को सावधानी से नहीं सुनते हैं, सुना उन्होंने तो उसका परिणाम भी उन्होंने, है ना, उनको परिणाम उनके कार्यों के अनुसार मिला। फिर दूसरा सी है चैलेंज, है ना, चुनौती। ये जो सी है, ये मसीह में जब हम चलते हैं बहनों भाइयों, तो हमें बहुत प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सी समस्याओं का, परेशानियों का, है ना, सामना किया। हम देखते हैं नए नियम में 400 समाचार में, फरीसी, सदूकी, शास्त्री, पुरोहित, है ना, याजक, सब उसके अगेंस्ट में थे, सब अगेंस्ट में रह के बात करते थे, उसकी निंदा करते थे, है ना। निंदा भी सही उसने हमारे लिए, उसके गाल पर थप्पड़ मारा वो भी सहा, उसके दाढ़ी को नोचा वो भी उसने सहा, उसके पीठ पे कोड़े मारे गए वो भी उसने सहा, उसने क्रूस पे जब उसको चढ़ाया गया तो कीले ठोके गए उसके हाथ और पैर में, सिर में कांटों का मुकुट पहनाया गया वो भी उसने सहा, है ना, लोग उसको ठट्टों में उड़ा रहे थे वो भी उसने सहा, है ना, जब वो क्रूस पे था तो लोग ठट्टा कर रहे थे ना, बहुत सारी आवाजें आ रही थी, ठट्टा कर रहे थे लोग, कह रहे ये तो परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर का बेटा बताता है, तो बहुत सारे लोग थे जो विभिन्न प्रकार की बातें, ये सब चीजों को भी यीशु मसीह ने सहा। तो जब उसके सामने चुनौती थी, है ना, तो हमारे सामने भी चुनौती है, पर बहुत अच्छी बात क्या है कि हमारे साथ आज कौन है, यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है, पवित्र आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है, है ना। तो पर चुनौती का सामना तो हमको करना पड़ेगा मसीही जीवन में, लेकिन उससे लड़ने की, उन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति, सामर्थ हमें कहां से मिलेगी, त्रिएक परमेश्वर से मिलेगी, मिलती है ना। जब हम प्रार्थना में मांगते हैं
तो इन चुनौतियों का सांसारिक है हम, बहुत सारी सांसारिक चुनौतियां हैं, परीक्षाएं हैं हमारे जीवन में, समस्याएं हैं, है ना। तो मसीह जीवन में ये तो सब है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस चैलेंज से, है ना, फिर हमारा आत्मिक जीवन परखा जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे कितनी विश्वस्तता से चलते हैं, है ना। आने दीजिए ना चुनौतियों को, क्या दिक्कत है, समस्याओं को, परेशानियों को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, है ना। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो ये जो चुनौती है, सी फॉर चुनौती, दूसरा अपन देख रहे हैं सी फॉर चुनौती, मसीह जीवन में पल पल में चुनौतियां हैं, परंतु इनसे घबराना नहीं है, हार नहीं मानना है, है ना। और जैसे हम देख पढ़ते हैं याकूब 1:12, याकूब 1:12, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। कितनी अच्छी बात है बहनों भाइयों, हमको जीवन का मुकुट मिलेगा, कितनी अच्छी बात है ये, है ना। कहा स्वर्ग में जीवन का मुकुट मिलेगा, जीवन का मुकुट लेने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको परीक्षा में स्थिर रहना है। हम संसार में है, बहुत सारी परीक्षाएं आती है हमारे जीवन में, आने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, चैलेंज आते हैं, पर हमारे साथ कौन है, सेनाओं का यहोवा, है ना, प्रभु यीशु मसीह। उसने जब परीक्षा में वो पड़ा, जब उसकी परीक्षा हुई तो वो स्थिर रहा, और उसने वचन के द्वारा शैतान को अपने पास से भगा दिया, है ना। हमको भी इन वचनों को, पवित्र शास्त्र के वचनों को थामे रहना है, पकड़े रहना है, और इनका मनन करना है, इनको अंगीकार करते हुए मुंह से बोलना है, है ना। आप देखिए शैतान कैसे नहीं भागेगा हमारे सामने से। और जो चुनौती है, जो परीक्षाएं हमारे जीवन में है ना, वो भी फिर हमको कोई बहुत बड़ी नहीं लगेगी, ना लगती है। सबके जीवन में परीक्षाएं आती है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर हमें क्या करना है, क्योंकि वह खरा निकलकर परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है ना, किसको पकड़ना है हमको, प्रभु यीशु मसीह को। किसके पीछे चलना है हमको, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है ना। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, है ना। तो हमें जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं बहनों भाइयों, तो अपना क्रूस हमको उठा, परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं, बीमारियां, ये सब आएंगी, पर चिंता मत करिए, हमारे साथ त्रिएक परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है हमारे साथ, जो याकूब का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर, वो हमारे साथ है ना। सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा पिता हमारे साथ है, फिर क्या दिक्कत है। जब ये सब हमारे साथ में, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ में, तो सोचिए हम कितने बलवान हैं, है ना, कितने सामर्थी हैं हम। अपने आप को छोटा मत समझिएगा, जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं या चुनौतियों का सामना करते हैं, तो बिल्कुल अपने आप को छोटा मत समझिएगा। हाँ, परंतु निरंतर प्रार्थना में रहना है हमें, सारी समस्याओं को प्रभु के चरणों में रखिए, सारी परेशानियों को प्रभु के चरणों में रखिए, सच्चे मन से, है ना। फिर आप देखिए, ना तो परेशानी आपको पहाड़ जैसे लगेगी, ना वो समस्याएं रहेगी, ना वो चुनौतियां रहेंगी, है ना। और जब हम, यहाँ पे लिखा है प्रतिज्ञा है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु ने स्वयं बोला, यीशु मसीह ने, कि जो इस जीवन में, जो परीक्षाओं में स्थिर रह करके मुझे थामते हुए चलेगा, है ना, मुझे, मेरे पीछे चलेगा और अपना क्रूस स्वयं उठा के चलेगा, है ना। नाना प्रकार की समस्याएं, परेशानियां, चुनौतियां, ये सब आने दो, आने दीजिए, लेकिन जब हम उसके पीछे चलते हैं तो ये तो सब आएगा ही, पर हमको इससे डरना नहीं, घबराना नहीं है। हमें वचनों के साथ चलना है, वचन को थामे हुए चलना है, प्रार्थना करना है ना। और प्रार्थना में
वचन को पढ़ने में, उसको मनन करने में, और जैसा प्रभु हमसे चाहता है हमारे जीवन से वैसा जब हम करते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, क्या पुरस्कार मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा, है ना। कितनी बड़ी बात है बताइए, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा की है प्रभु ने हमसे कि जब हम उन प्रति चुनौतियों में भी स्थिर रहते हैं और उसमें हम खरे निकलते हैं उन परीक्षाओं में, तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करता है ना, और फिर वो हमें पारितोषिक भी देगा, गिफ्ट देगा, इनाम देगा, और वो है जीवन का मुकुट। और हमें देखिए हम अब अंतिम दिनों में चल रहे हैं बहनों भाइयों। यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है, क्योंकि जब हम अपने आसपास संसार में देखते हैं तो जो नूह के दिनों में हुआ करता था, जो नूह के समय में हो रहा था, वही सारी घटनाएं हमारे समय में भी हम घटित होते हुए देख रहे हैं, है ना। तो हम अंतिम समय में चल रहे हैं और यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। तो ये जो अंतिम समय है में हम जब चल रहे हैं तो हमारे सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, परीक्षाएं ही परीक्षाएं हमारे जीवन में, परंतु हमें इनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, है ना। इन परीक्षाओं में भी हमें स्थिर रहना है और अपने प्रभु को थामे रहना है, उसके विश्वास में और अधिक मजबूत बनना है। फिर देखिए आप कि फिर ये चुनौती हट जाएगी हमारे जीवन से, है ना। और सांसारिक जो अभिलाषाएं हैं, है ना, हमारे सामने भी आती है, तो लोभ लालच, है ना, आंखों की अभिलाषा, है ना, जीविका का घमंड, ये सब हमारे सामने भी आता है। लेकिन इन सबको परे हटा करके जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, उसके क्रूस की ओर देखते हैं, है ना, तो फिर ये सारी चीजें हमारे हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। और इसी समय हमको उस क्रूस की ओर देखना है। जैसी हमारे सामने चुनौती आती है, सांसारिक चुनौती, तुरंत हमको क्रूस की ओर देखना है, है ना, क्योंकि उसने सारी चुनौतियों का सामना किया, समस्याओं का सामना किया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, और वो खरा निकला, वो खरा निकला, है ना। तो आज कहाँ है? परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है, वहां, है ना, वो बैठा है, और वहां से वो जीवते और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। तो देखिए इस विश्वास में हमको स्थिर रहना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सारी चुनौतियों का सामना किया, पूरे विश्वास से परमेश्वर पे, पूरी पूरा जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी उसका अक्षर था, उसने पालन किया, वो कहीं भटका नहीं, है ना, और परमेश्वर की सामर्थ्य में वो बना रहा। और उसी तरह से हमें भी परमेश्वर की सामर्थ्य में, प्रभु यीशु मसीह की त्रिएक परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहना है, और इन चुनौतियों का हमको डट के सामना करना है। हमारे जीवन में भी आ सकती है, आती है परीक्षाएं, परंतु हमको उसका सामना करना है। अब अगर हम देखें मदर टेरेसा के जीवन में, तो मदर टेरेसा के जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां थी बहनों भाइयों। वो तो एक बाहर की महिला थी, बाहर 15-16 साल की थी, यंग, तब वो हमारे देश में आई थी, और कलकत्ता में, और वहां पे उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। वो ऐसा बताते हैं कि वो एक बार किसी व्यापारी के पास गई और उन्होंने कहा, मदर टेरेसा ने, कि मेरे जो ये बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कुछ दान दे दीजिए। तो उसने ऐसा करके हाथ, तो वो व्यापारी ने उनके हाथ पर थूक दिया, ठीक है ना। अब वो ये बोलती है कि ये दान तो आपने मुझे दे दिया, ठीक है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया, परंतु मेरे बच्चों के लिए कुछ और दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। देखिए कितनी नम्र थी वो महिला, उसने जरा गुस्सा नहीं किया, जरा क्रोध में नहीं आई। और पर ये कैसे संभव हुआ
क्योंकि वो परमेश्वर की सच्ची दासी थी, है ना। उसमें नम्रता थी, दीनता थी, और वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वालों में से थी, है ना। तो परमेश्वर ने उनको कितना ऊंचा उठाया। देखिए आप, आज मदर टेरेसा को हर समुदाय का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, है ना, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है, बहनों भाइयों। तो ये, और वेटिकन सिटी में उनको संत मान की घोषणा की है। और तो ये कितना ऊंचा उनको उठाया परमेश्वर ने, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे तीसरा सी, ये है चांस, या सी फॉर चांस, या अवसर। तो इसके लिए हम, मैं पढ़ना चाहूंगी इफिसियो 5 और उसका 16, इफिसियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 16वां पद। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को, आज मेरे और आपके लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है बहनों भाइयों, अपने अपने पश्चातापे हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने का, है ना। बहुत अच्छा अवसर है ये, और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके, है ना, बपतिस्मा लेने का और प्रभु के पीछे चलने का, ठीक है ना। ये बहुमूल्य अवसर है, और तब तो हम उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे ना, तब तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो आज ये अवसर है, आज मेरे और आपके लिए अवसर है कि हम इस अवसर को खोए नहीं, क्योंकि आज जो हमें, मुझे जीवन मिला है ना, हम तो मिट्टी है, फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, तो आत्मा फिर धन्यवाद नहीं दे सकती हमारी आत्मा, है ना, फिर तो उसका न्याय होगा, उसको कहाँ जाना है। तो आज मेरे पास समय है, आज हर व्यक्ति के पास समय है कि वो क्या कर ले, पश्चाताप कर ले, पश्चाताप करे, अपने पापों से फिरे, है ना, प्रभु को अपना उद्धार करता अपने मुंह से अंगीकार करे, है ना, और प्रभु के क्रूस की मृत्यु को पे विश्वास करे कि उसने मेरे और आपके सबके पापों को, सारे श्रापों को उसने क्रूस की मृत्यु के द्वारा दूर किया है, है ना, और वो ही हमको क्षमा देने में सामर्थ्य है, है ना। तो ये अवसर हमको, मुझे और आपको मिला है। बहुत सारे लोगों को ये अवसर नहीं मिलता है बहनों भाइयों, है ना, और पर मुझे और आपको ये अवसर मिला है। तो हमें क्रूस के पास आना है, पूरे सच्चे मन से आना है, पश्चातापी मन से आना है। इस अवसर को हमें खोना नहीं है, क्योंकि आज का अवसर हमारे लिए क्या है, बहुमूल्य है, है ना। और जो भी अवसर हमको मिलता है, सुसमाचार प्रचार करने का, अपने जाति भाइयों के बीच में जाकर के उनकी सेवा टहल करने का, उनके सामने अपना इनकार नहीं करना है, परंतु उनकी सेवा टहल करना है। और भी जितने जाति, अकेले जाति भाई नहीं, परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला, दूसरी आज्ञा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो मेरा पड़ोसी कौन है, पूरा संसार। तो हमको पूरे संसार को, है ना, जो मेरा पड़ोसी है उसको अपने समान प्रेम रखना है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, है ना। जब मेरा पड़ोसी, मान लीजिए, दुखी है, परेशान है, तो कम से कम हम उसके पास जाकर के उसको सांत्वना तो दे सकते हैं ना, या भूखा है तो उसको पेट भर के रोटी तो खिला सकते हैं ना। तो ये जो अवसर हमको मिलते हैं, उसको गंवाना नहीं, उसको कभी मत गंवाइएगा। जो भी अवसर मिले भलाई करने का, बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमको, है ना, उस अवसर पर लपकना है हमको। और किंतु परंतु नहीं, है ना, ठीक है, हम कल कर लेंगे, आज समय नहीं है, हो सकता है कल हमको अवसर ना मिले। तो जो आज हमको अवसर मिला है, उस अवसर को हमको में तुरंत काम करना है, है ना। और सेवा करने का अवसर, प्रचार करने का अवसर, वचन प्रचार करने का अवसर, गवाही देने का अवसर, है ना, ये जब हमको अवसर प्रदान किए जाते हैं, प्राप्त होते हैं, तो हमको इसको तुरंत ग्रहण करना, उस अवसर को पकड़ना है और काम करना है, ठीक है ना।
हमारे पास में बहुत सारे सेवा के अवसर आते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में आजकल आप देख रहे हैं कि जो सेवकाई है, वचन प्रचार है, उसमें बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। मैं मानती हूँ इस बात को, है ना। परंतु हमको सामर्थ कौन देता है? पिता परमेश्वर देता है, त्रिएक परमेश्वर देता है। तो इस अवसर को हमको खोना नहीं है बहनों भाइयों। चाहे कितनी भी चुनौती आए हमारे जीवन में, लेकिन ये अवसर बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए। तो हमको इस अवसर को छोड़ना नहीं है, है ना, और पकड़े रहना है। और अगर हम ये देखें चौथा अवसर, चरित्र, कैरेक्टर, सी फॉर कैरेक्टर, है ना। अभी हमने तीन देख लिया, अभी चौथा सी है आत्मिक जीवन के लिए कैरेक्टर, चरित्र, है ना। अगर हम पवित्र शास्त्र देखें तो पवित्र शास्त्र हमको ये बताता है कि चरित्रवान बनो, है ना। परमेश्वर पिता भी चाहता है कि हम बहुत अच्छा चरित्र रखें, है ना, पाप से दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर पाप बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो जो जिस व्यक्ति का चरित्र जिसमें कोई पाप नहीं है, है ना, उत्तम है, उसको परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है कि हमने कितने चर्च बनाए, हमने कितना दान दिया, है ना, या हमने कितने बड़े बड़े काम किए। परंतु परमेश्वर क्या देखता है? हमारा चरित्र कैसा है, क्या हमारा मन, क्या हमारी आत्मा पवित्र है, ये देखता है, है ना। पवित्र परमेश्वर का जांचना मनुष्य के जांचने जैसा नहीं है। पहला शामिल में शामिल नबी परमेश्वर के विषय में बता रहा है कि परमेश्वर का जो देखना है वो मनुष्य जैसा नहीं है। पर मनुष्य क्या बाहर का आवरण देखता है, डील डॉल देखता है, खूबसूरती देखता है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो हमारी आत्मा कैसी होनी चाहिए? निष्पाप, निष्कलंक, पवित्र होनी चाहिए, पवित्र, है ना। हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, है ना। तो इसे कैसा रखना है? हमें पवित्र रखना है। मनसा वाचा और कर्मणा से हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, है ना। कैरेक्टर का मतलब यही है। भजन संहिता 50 और उसका 23वां पद पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता 50 और उसका 23वां पद। धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। बिल्कुल स्पष्ट बोला है भाई यहाँ पर, बहनों भाइयों, है ना। तो कि हमें अपना चरित्र कैसा रखना है? उत्तम रखना है। और जब हमारा चरित्र उत्तम रहता है, हमारा हृदय मन पवित्र रहता है, हमारी आत्मा पवित्र है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा, है ना। तो इस बात को हमको पकड़े रहना है। अगर हम ये देखते हैं कि बाइबिल में से एक नए नियम में कि दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में, है ना, और एक जो व्यक्ति था वो क्या कर रहा था? वो एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। तो फरीसी बहुत, दोनों की प्रार्थना बिल्कुल अलग अलग थी। फरीसी बोलता, मैंने ये दान दिया है, मैं दशमांश देता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना, और परंतु वो क्या बोलता है एक बात कि मैं इसके समान नहीं हूं, है ना, चुंगी लेने वाले की। तो अब देखिए,
परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी। और वो जो चुंगी लेने वाला था वो परमेश्वर उस मंदिर आंख उठा के भी नहीं देख रहा है, यानी वो इतना पश्चातापी मन से है कि उसने आंख उठाना भी नहीं चाहा, है ना। वो आत्मग्लानि से भरा है कि मेरे काम बिल्कुल अच्छे नहीं है, मैं चुंगी लेता हूं, है ना। और पछतावा था उसके मन में, परमेश्वर को ये भाया, ठीक है ना। परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को स्वीकार किया क्योंकि उसका मन पश्चाताप से भरा हुआ था, ठीक है ना। तो जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसी का परमेश्वर का, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उसको परमेश्वर क्या दिखाता है? उद्धार दिखाता है। फिर पहला कुरंथियों 15 उसका 33वां पद पढ़ना चाहूंगी। पहला कुरंथियों 15 और उसका 33वां पद, धोखा ना खाना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, है ना। हमें बुरी संगति में नहीं जाना है, हमें अच्छी संगति में रहना है, है ना। आत्मीय लोगों के समीप रहना है, जो आत्मीयता की बातें करे, जो वचन की बातें करे, वचन की संगति करे, है ना, उनकी संगति में रहना है। और क्योंकि उससे हमारी आत्मा का की उन्नति होती है। जब हम अच्छे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ संगति करते हैं, है ना, जो वचन की बातें करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन पे मनन करते हैं, वचन समझाते हैं, वचन सिखाते हैं, तो जो परमेश्वर की बातें करते हैं, जो यीशु मसीह की बातें करते हैं, हमको ऐसे लोगों के बीच में रहना है ना। और नहीं तो क्या होगा कि बुरी संगति, अगर हम बुरे लोगों के बीच में है जो चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, जलन रख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोभ लालच रख रहे हैं, तो हम भी वैसी बन जाएंगे, हमारा नेचर भी वैसी हो जाएगा, और फिर हम परमेश्वर की समीपता में जा ही नहीं सकते क्योंकि सारे पाप तो अब हमारे मन में आ गए ना, हमारी आत्मा में आ गए, हमारी आत्मा कलुषित हो गई, बुरी हो गई, है ना। तो फिर तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हमको अच्छे लोग, अपने चरित्र को अच्छा रखना है, और अच्छे रखने के लिए हमें अच्छी संगति में बैठना है, परमेश्वर की समीपता में बैठना है, पवित्र आत्मा की सहायता लेना है, है ना, वचन पढ़ना है, वचन, जो लोग वचन की संगति में रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन समझाते हैं, वचन सिखाते हैं, उनके साथ में हमारी संगति होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगर हम ऐसे बेकार लोगों के बीच में बैठेंगे तो फिर हमारा भी चरित्र क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, है ना, जो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। अब पांचवी बात है, पांचवा जो सी है वो है कमांड, सी फॉर कमांड, मतलब आदेश देना, है ना। हम जैसे हम कंप्यूटर पे कमांड देते हैं, है ना, और तो वो फिर उस हिसाब से काम करता है। तो ऐसे ही हमको हमारे मन को कमांड देना, जैसे दाऊद राजा ने अपने मन को कमांड दिया, भजन संहिता 103 और उसका पहला पद पढ़ना चाहूंगी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दूसरा पद भी, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, है ना। तो यहाँ पे दाऊद राजा अपने मन को कमांड कर रहा है, आदेश दे रहा है कि हे मेरे मन, मेरी बात सुन, तुझे क्या करना है, परमेश्वर यहोवा का क्या करना है, को धन्य कहना है, है ना, क्योंकि उसने मुझ पर अनगिनत उपकार किए हैं। तो मुझे केवल यहोवा को ही धन्य कहना है, और किसी को धन्य कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे मन का, मेरे जिंदगी का, मेरे जीवन का, मेरी आत्मा का स्वामी कौन है? यहोवा परमेश्वर है, है ना। तो मुझे, उसने अपने मन को कंट्रोल में किया, और अपने मन को कंट्रोल में करके वो कह रहा है हे मेरे मन। तो हमको भी ऐसी करना है। और यूहन्ना 15 और उसका 12, यूहन्ना 15 और उसका 12वां पद पढ़ना चाहूंगी। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना। तो अब देखिए, ये यीशु मसीह का आदेश है मेरे और आपके लिए कि जैसा उसने हमसे प्रेम करा, परमेश्वर पिता ने तो हमसे अगापे प्रेम किया है ना। यूहन्ना 3:16
हम पढ़ते हैं ना, हम जानते हैं यूहन्ना 3:16 में क्या है, कि और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है। तो यहाँ पे यीशु मसीह भी इसी बात को कह रहा है कि मेरी ये आज्ञा है, मेरा ये आदेश है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम रखा है। परमेश्वर पिता हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। इससे बढ़कर प्रेम और क्या होगा बहनों भाइयों, है ना। परमेश्वर पिता ने अपनी हथेली पे हमारे चित्र गोद के बनाया है ना, और वो हमें हमेशा स्मरण रखता है। तो सोचिए, और परंतु जो आदेश है उसका आदेश का पालन हमको करना है कि हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है ना। कोई बुराई नहीं, कोई भलाई नहीं, कोई दुराव छुपाव नहीं, कोई भलाई, मेरा मतलब ये है कि कोई किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं करना है हमको, है ना। किसी के प्रति कोई जलन नहीं रखना है, सबसे प्रेम से व्यवहार करना है, सबसे प्रेम रखना है, है ना। ये यीशु मसीह का आदेश है, आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा है। जैसे दो आज्ञा है उसकी मेल, ये भी एक आज्ञा है ना। तो इस आज्ञा का भी हमको अक्षरता पालन करना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, उसका प्रेम हमारे प्रति बिल्कुल निस्वार्थ था, बिल्कुल निस्वार्थ था, है ना। तो अब देखिए, परमेश्वर का प्रेम भी हमारे प्रति बिल्कुल निस्वार्थ है, हमें भी ऐसे दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखना है, ठीक है ना। फिर जल्दी जल्दी बताना चाहूंगी, फिर छठवां है करेक्शन, हमको अपने जीवन में सुधार करना है ना। और तभी तो हम आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरंथियों 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो, है ना। तो हमको अपने जीवन में सुधार करना है बहनों भाइयों, कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है, है ना। और अगर नहीं है तो फिर मुझे पश्चाताप करना है ना, और मेरे सुधार करना है अपने जीवन को, और उसकी ओर मोड़ना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर मोड़ना है। और अगर हम उसकी ओर नहीं मुड़ते हैं तो हम निकम्मे निकलेंगे, और निकम्मा जो निकला है, जो भूसी कहाँ जाती है, आग में, है ना। तो फिर हम भी न्याय के समय कहाँ जाएंगे, सोचिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को परखना है, और परख के सुधारना है अपना जीवन, कि हम विश्वास में चले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, है ना। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत है, हमारे जीवन के लिए बहुत दिक्कत है। इसलिए हमें जांचना है अपना जीवन, परखना है, है ना। और परख कर कैसे परखेंगे, वचनों के द्वारा। कैसे परखना है हमको, वचनों के द्वारा परखना है। और फिर इस बात को देखना है कि वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या नहीं, है ना। तो फिर कैसे हमारा आत्मिक जीवन होना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह चाह रहा है वैसे हमको जीना है, है ना। अपने सारे पापों से, सारे जो श्राप है उसने हमको छुटकारा दिलाया है, तो हमको उस पर विश्वास रखना है, उसके पीछे चलना है, है ना। ये परखना है हमको, ये सुधार करना है कि मेरे जीवन में कोई पाप तो नहीं है, मेरी आत्मा में कोई पाप तो नहीं है। ये सुधार अगर है तो उसमें सुधार करना है, और ये अवसर अभी है हमारे पास। फिर सातवां है चॉइस, चुनाव। हम किसका चुनाव करते हैं, जैसे नाओमी की दो बहुएं थी, है ना, ओरपा और रूत। तो ओरपा ने संसार को चुना, वो वापस लौट गई अपने परिवार में, अपने घर में, है ना। लेकिन रूत ने क्या कहा, जहां तू बैठेगी वहां मैं बैठूंगी, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। बस यही बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी बहनों भाइयों, और उसकी ब्लड लाइन में यीशु मसीह आए, बताइए आप। तो उसने चुनाव किसका किया, परमेश्वर पिता का, है ना। मुझे भी और आपको भी, हम विश्वासियों को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का चुनाव करना है, बस। मेरा और हर एक विश्वासी का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, है ना। तो मेरा चुनाव, आपका चुनाव, हमारा चुनाव कैसा होना चाहिए, रूत के समान होना चाहिए,
जो परमेश्वर को भाए, है ना। और परमेश्वर के पीछे हमको चलना है ना। और हमने क्या क्या चीज देखा, सावधानी, सात सी को देखा हमने, कॉन्शियस, सावधानी, चैलेंज, चुनौती, चांस, अवसर, कैरेक्टर, चरित्र, कमांड, आदेश, कनेक्ट, करेक्शन, सुधार, चॉइस, चुनाव, है ना। तो ये जो सात सी है, ये इसको हमें थामे रहना है, इसे हमें पकड़े रहना है, है ना। और जिस प्रकार से विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक एक विटामिन है, है ना, उसी प्रकार से ये सेवन सी हमारे आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, है ना। आज हमने ये सीखा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा कि आज तूने हमें बहुत गहरे रहस्य और पवित्र शास्त्र में से बताया पिता, गहरी बातों को बताया कि पिता हमें तेरे आदेश का पालन करना है, हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है, हमें अपने जीवन में सुधार करना है, हमें आत्मिकता में और अधिक बढ़ना है, सारी चुनौतियों का सामना करना है तेरे तुझ में हो करके, तुझसे सामर्थ्य पा करके पिता। ये जो सात सी जो हमने आज सीखे हैं पिता, हम होने दे पिता कि हमारा चरित्र उत्तम होने पाए, हमारी आत्मा पवित्र होने पाए जो तुझे अच्छी लगे पिता। हाँ प्रभु जी, आज इस सेवन सी के द्वारा पिता हमने तुझे वचनों के द्वारा समझा, सीखा, जाना कि तू हमसे क्या बात करना चाहता है। हाँ प्रभु जी, होने देना कि ये जो वचन है प्रभु जी, ये हमारी आत्मा में गहराई से बैठने पाए, बहुत अधिक फल लाने पाए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि तेरा आना बहुत निकट है प्यारे यीशु, हम सब आत्मा में तुझसे मिलने पाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है कि हम सबको प्रभु जी, चाहे हम जिस भी परिस्थिति में है पिता, हमें थामे रहे। हाँ प्रभु जी, हम तेरे पीछे चलने वाले, सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से प्रभु जी तेरे पीछे चलने वाले हो सके पिता। हमें सामर्थ्य दे, हमें आशीष दे, हमें हम सब पे तेरा अनुग्रह बना रहे बाप। तुझसे ही विनती और प्रार्थना है, सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को यीशु सहाय।